स्वाभिमान यात्रा के अगुवा आंदोलनकारी आयोग के सदस्य आदरणीय डॉक्टर देशवरण भगत जी मंच में हमारे साथ अब बोलो तब इस क्षेत्र के आंदोलनकारी नेता आदरणीय विनोद भगत जी मंच में महिला नेत्री और जिला परिषद की अध्यक्ष सुनैना कुमारी जी मंच में हमारे साथ आदरणीय राजेंद्र मेहता जी लाल गुरुनाथ सहदेव जी विश्वनाथ जी अंजू जी अनिता जी और जितने भी हमारे सभी जो लोहरदगा जिला के केंद्रीय और जिला स्तर के और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी जो स्वराज स्वाभिमान यात्रा का लगातार 3 दिन तक नेतृत्व कर रहे हैं हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष और आज ये अंतिम गांव जहां पर हम लोग बैठे हुए मैंने इस गांव के मुखिया को सुना ग्राम प्रधान को सुना गांव के सम्मानित दो चार हमारे युवा साथियों ने भी अपना विचार यहां पर रखा है। मुझे जब इसके बारे में प्रखंड अध्यक्ष या फिर यहां के वरीय कार्यकर्ताओं ने बताया इस कार्यक्रम का रूट बन रहा था तो इन्होंने बताया कि एक गांव हमारा हरमू है वो गांव का लोग आपसे मिलने जाना चाहता था इसलिए यात्रा उस गांव तक जाना चाहिए उस गांव में आपको एक बार बैठना है और आज का समय हम लोग ने सुनिश्चित किया कि हम तो गांव के साथ बैठेंगे लेकिन खेद प्रकट करते हैं कि थोड़ा समय विलंब हो गया आपको तकलीफ हुआ होगा बावजूद इसके आज बड़ा गंभीरता से शहर से सटा हुआ ये गांव अभावग्रस्त होने के बाद भी मर्यादित होकर अपने और अपने गांव के विकास की चिंता और मंथन के लिए हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं। जो सबसे बड़ा जो इस अभियान का केवल 2 बात हम रख देना चाहते हैं कि स्वराज स्वाभिमान यात्रा स्वराज से सीधा हमारा तात्पर्य है कि अपना राज और स्वाभिमान मतलब हम सब जनता का स्वाभिमान का ख्याल रखना है क्योंकि 1952 से 2014 तक मेरा परिवार ये भारत का लोकतंत्र का ये प्रहरी ये गांव भारत के लोकतंत्र का सम्मान करते आया। आप बोलेंगे दादा कैसे तो भारत के ये संविधान में एक राष्ट्रपति और एक आम आदमी को एक तरह का शक्ति दिया है वो शक्ति है कि हम अपना नेता चुन सकते हैं देश का नेतृत्व को चुन सकते हैं वोट देने का अधिकार को बड़ा किया है बराबर किया है। तो 1952 में जब वोट हुआ था तो भी हमारा हरमू गांव का लोग वोट दिया उस चुनाव का सम्मान किया लोकतंत्र का सम्मान किया और आज 2014 में भी जो चुनाव हुआ उसका सम्मान किया है। बावजूद इस गांव में बुनियादी रूप से कुछ हो पाए या ना पाए अभाव का इतना बड़ा लाइन यहाँ के लोगों ने रखा कि आज तक बुनियादी सुविधा के नाम पर हरमू में कोई सामने आकर देखने का काम नहीं किया है। हमने इस स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से उस शक्ति को बल दिए है राजनीतिक समय में जैसे कहा कि चुनाव के मेरा आना लोहरदगा मेरा आना मेरी सक्रियता एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में या राज्य का एक नेता के रूप में हुआ है कोई शिलान्यास उद्घाटन में हम आते थे और चले जाते हम चुनाव प्रचार में आते और चले जाते लेकिन आज न हम शिलान्यास के लिए आए न उद्घाटन के लिए आए न चुनाव प्रचार के लिए आए आप सीधे सीधे आज आपके साथ गांव में बैठकर मंत्रा करने आए कि भाई 1952 से लेकर हरमू गांव 2014 तक वोट दिया तो हमारा मौलिक अधिकार कहा गया शहर का मुख्यालय से हम 2 किलोमीटर दूर है बावजूद इसके इस गांव को कोई अभी तक देख नहीं पाया शासन का डीसी यही बैठता है शासन करने वाला डीसी यही बैठता है एसपीओ यही बैठता है पीडीओ भी यही बैठता है हमारा वार्ड मेंबर से लेकर पंचायत समिति मुखिया हमारा विधायक और हमारा सांसद भी इसी आसपास नेतृत्व करता है बावजूद इसके इतना बड़ा आबादी का गांव को कोई आज तक नहीं देखा इसी विषय में आपसे वार्तालाप करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और बातचीत का ये अभियान को हम लोग ग्रहण करना चाहते हैं। आज रात्रि में अभी तक तो इतना गांव घूमे कोई नहीं बोला समझ रहा था लेकिन हमको लगा समझ रहे नहीं थी रात्रि मेरा पूरा होता नहीं है
दिल्ली वाला बोलेंगे तो सुनेंगे तो सब है कहीं ठीक है यहाँ ने तो हल्ला मुझे पार है तो ये हमने क्या एक तकलीफ का देखे तो खाती गावला है ठीक है बहुत पाई नहीं तो हिंदी ही ठीक है तो ये जिस विषय को रखें हम बड़ा आराम से कह रहे हैं हम जितना बात बोले उसको और हल्का हल्का बोल के बोल देते हैं यही बोले हैं कि भाई भारत तो आजाद हुआ आजादी के उल्लास में हम लोग शामिल हुए एक स्वर्ण अधिकार मिला जो राष्ट्रपति को भी मिला हम लोग को भी मिला गांव को भी मिला हमारा लोग बाप दादा लोग वोट दिया आज हमारा बाप दादा लोग का नाती लोग वोट दे रहा है यही तो है हम लोग 20 प्रधानमंत्री बनाया 20 मुख्यमंत्री बनाया 20 MLA बना 20 MP बना हमने लोग तो बना दिया लेकिन हमारा गांव वहीं पर है यही तो है सच्चाई यहाँ हम शुरू किए थे आज कोयल नदी के किनारे हम लोग उसी अवस्था में जिस अवस्था में बाप दादा छोड़ के गया वही है कर बस जनसंख्या बढ़ा है परिवार बढ़ा है लेकिन सरकार बगल में बैठता है लेकिन सरकार का ध्यान यहाँ नहीं DC भी यही बैठता है DDC यही बैठते हैं BDO यही बैठते हैं CO यही बैठते हैं और हम लोग तरफ से प्रतिनिधि हमारा वार्ड मेंबर भी है पब्लिक तरफ से कौन सरकार तरफ से सरकारी पदाधिकारी सेवा के लिए इधर बैठता है और हमारा तरफ से हम लोग का वकालत करने के लिए कौन कौन है हमारा वार्ड मेंबर है हमारा मुखिया है हमारा पंचायत समिति है हमारा जिला परिषद है हमारा MLA है और MP है ये पब्लिक का वकील होता है ये लोग तो पब्लिक का वकील लोग इधर है और उधर सरकार का संस्था है जिसका काम विकास करना है बावजूद इसके पब्लिक तरफ से जनता का राज तो हम लोग बोलते हैं लेकिन जनता का राज में वो दम 2014 तक नहीं बता है कि जाके वहां से काम खींचकर यहाँ पर लेके आएगा और इस गांव का उद्धार करेगा ऐसा हो नहीं पा रहा है गांव वाला अपना जमीन बचाने के लिए दर-दर होटक रहा है अपना बाप दादा पुरखा का जमीन को सुरक्षित रखेंगे वो सुरक्षित रखने नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई लुटेरा आया है और लूट के चला जाएगा ऐसा वातावरण बना है और भय बना हुआ है कि हम अपना पुरखा का जमीन को भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे जहाँ जहाँ लालिश कर रहे हैं कोई न्याय नहीं दे रहा यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक आप लौट के लेकिन न्याय हमारे गांव का पक्ष पे नहीं आया यही तो चिंता है यही तो चिंता का विषय है तो इसी चिंता का विषय में आज सब कागज हमने अभी मेरा भाई लाके दिया हम बोले इतना कागज पत्र दिया है थोड़ा रख देना थोड़ा समझने दो ये पूरा सिस्टम को ये पूरा बताया सुना बावजूद इसको हमको थोड़ा जानकारी लेने दीजिए हम इतना कोशिश करेंगे कि जो जमीन शेष है चाहे वो प्रति जमीने होगा वो 100 प्रति जमीने में आता है प्रति जमीन में आता है प्रति जमीन को किसी को बेचने का अधिकार CO और BDO को कौन दिया वो कैसे बेच सकता है सरकार इस जमीन का उपयोग कर सकता है ये सरकार के अधीन है इसमें रोड बना सकता है कोई सरकारी भवन बना सकता है सब कर सकता है लेकिन किसी पब्लिक को बेच सकता है ऐसा नहीं हो सकता है अगर इस तरह का काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो हमको थोड़ा अध्ययन का थोड़ा समय दीजिए हम अध्ययन करके आपको बताएंगे और जहाँ भी इस गांव का पैरवी करना पड़ेगा सुरेश माथुर आपके साथ खड़ा होकर इसका पैरवी करेगा मैं अपना भाई लोग जो स्पोर्ट्स खेलता है वो स्पोर्ट्स का इस मैदान का स्पोर्ट्स का जगह है आप लोग अपने से रोक के रखे हैं खुला है उसको खेल के रूप में इस्तेमाल करो खेल के रूप में इस्तेमाल करो उसको थोड़ा क्लेम करना पड़े करो कहाँ कहाँ रोक होता है थोड़ा ध्यान देना सुना उसमें क्या क्लेम करो और मैदान चालू करो यही ना करना है और क्या करना है